Yes. You need the pay? Yes, sorry. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होप आप लोग सारे अच्छे से हो गए। भाई मैं अभी बिस्तरे से बाहर नहीं निकला। इट्स ऑलमोस्ट 12:30 इन द आफ्टरनून। आज क्या प्लान है, आज वकास से पूछते हैं कि क्या प्लान है इनका, और उसके बाद सारी शाम का प्लान है मेरा। बताएं वकास, ये प्लान है शॉपिंग एंड शाम को नेट्स। ये इनसे बंदा ये पूछे कि क्रिकेट नेट्स किधर करने जा रहे हैं और किस टाइम पे हम जा रहे हैं। भाई मेरे बड़े ही ओल्ड क्लब में और टाइम अराउंड 5:00। तो भाई हमारा क्रिकेट ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। स्कोर तो हमने वहाँ भी नहीं किया था लेकिन पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। कहाँ स्कोर नहीं किया? लाहौर में है। तो आप लोग आज हमारे साथ रहो। ये व्लॉग इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग लाइक आई सेड इन द लास्ट व्लॉग। इसमें खाने को काफी कुछ होगा। मैं तो देख लेता लेकिन इकोनॉमी में बैठ। आपने मेरा मैच देखना है ना, आपने पाकिस्तान का मैच देखना है, आपने सिर्फ देखने होते हैं आईपीएल के मैचेस। मौसम मेरी बैकग्राउंड में लग रहा होगा कि ठंड है लेकिन ये देखो, बिलीव इट और नॉट, मैं आधे बाजुओं में बिल्कुल ठंड नहीं है, बट ये है कि थोड़ी बारिश वाला सीन बना हुआ है। तो लेकिन अगर आप जैकेट पहनना चाहें तो हल्की फुल्की पहनी जा सकती है। अभी हम जा रहे हैं हाशिम को पिक करने, वो उधर ऑक्सफर्ड स्ट्रीट ही आएगा और उसके बाद हम जाएंगे खाने के लिए जेम्स स्ट्रीट। वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे कैफेज हैं, कोई ना कोई अच्छी ऑप्शन मिल ही जाती है। बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट एजवे रोड इज वन के गुड थिंग ये कि ऑलमोस्ट सारी रात सुबह 4 बजे तक कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। वर्स्ट थिंग इज ये क्राउडेड है, गंदा है एंड स्मेली है। तो फाइनली हाशिम भाई काफ़ी डिले बाद आए और बारिश शुरू हो गई। आपके आने की वजह से बारिश क्यों शुरू हो जाती है? सर ये बरकत है, इसको आप पाकिस्तान जाके मिस करेंगे, फिर आप कहेंगे इतनी गर्मी किधर से होगी। हम ये जा रहे थे वेस्ट फील्ड शॉपिंग मॉल, सस्ती शॉपिंग का इनको बहुत शौक है, तो मैंने कहा आए आपको अच्छी महंगी म्यारी शॉपिंग कराते हैं। हाँ। तो इससे पहले कि हम शॉपिंग की तरफ बढ़ें, जैसे पहले भी बोला है मेरे भाई वकास ने, हम जा रहे हैं कौन सी जेम्स स्ट्रीट। जेम्स स्ट्रीट पे सस्ते फूड कोर्ट से निकल के अब मैं इनको किसी अच्छी जगह खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ। ये काफ़ी शबीब के साथ रह के ना तेज़ हो गए। Like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. तकी भी तो नहीं है, अच्छा है तो सही ना, खुलती तो है। ओ थोड़ा और जोर लगाएं। ये कितने की ली थी?
5 pound की तो फिर ऐसी मिल रही थी। अच्छा भाई मैं कैमरे के लिए अम्ब्रेला है, कैमरे के लिए अम्ब्रेला है। हमें बारिश पूरी पड़ रही है ऊपर। तो ये कैसा लगा आपको? मुझे ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज। यार ये मेरा तो बड़ा फेवरेट है हमेशा से, पहले भी मैं इधर ही आता था तो अब दोबारा आके यादें ताज़ा की। मजा आया ना मेरा। हाँ। मेरी डिश का नाम था फायर क्रैकर। हाँ वैसे आपकी डिश सबसे अच्छी थी यार, सबसे मजे की मजे की वही लगी। क्योंकि इट वॉज वेरी स्पाइसी, इट इज सपोज टू बी स्पाइसी एंड धुएं उसने निकलवा दिए थे। हाँ। तो अभी हम जा रहे हैं एलान कैफे, जिसकी एक ब्रांच जो मेन ब्रांच है इस अपोजिट हैरिस, और ये वाली जो है ना मिनी ब्रांच खुली है सेल्फ्रेजेस के अंदर। तो मेक श्योर के इधर आओ, इनकी पेशी शायद करो। इनकी कॉफी बहुत अमेजिंग है यार, इट इज कॉफी पीनी हो तो जरूर आओ। क्यों श्याम भाई? बिल्कुल हाशिम, सॉरी। हर दफा मैं इनका नाम जान के उठा लेता, सिर्फ इनका नहीं सबका ही। ऐसे नहीं हो तब 5 pound में 3 मुर्गियां ऐसे करके खड़ी होती हैं पास पास जुड़ जुड़ के, ताकि ठंड ना लगे हमें। हमारे और खर्च लेना 5 pound, एक 5 pound से आपने गुजारा करना है। पैसे बचाओ, 200 का पाउंड हो रहे। अच्छा भाई ये एक एडेड बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फो है रिगार्डिंग ये कैफे, ये भाई देंगे। ये जी इनका कोल्ड ब्रू है, इसको अगर आप इस पर फोकस करें तो ये कहते हैं कि जी ओवरनाइट फिल्टर्ड वाटर में इसको हम ब्रू करते हैं इसका कोई खास टेस्ट बनाने के लिए। तो टेक्निकली स्पीकिंग सारी रात इनके कॉफ़ी बीन्स को स्पेशल ट्रीटमेंट होती है उसके बाद देते हैं, एंड इनकी एक अपनी स्पेशलिटी है। लेट्स ट्राई, मैंने तो सुना है कमाल है, बट आज फर्स्ट हैंड ट्राई करने लगा फिर भी पता लगेगा। इतना रश है कि वकास बताएगा, हमें पहले ही कहा गया है कि कितना टाइम आप बैठ सकते हैं। 45 मिनट्स का उन्होंने बैठने के लिए टाइम दिया, उसके बाद उन्होंने कहा फुटो। दिस इज अ वेरी वेल नोन कॉफी प्लेस, am I right? Yes, it is. तो अगर आप आ रहे हो लंदन तो मेक श्योर कि हम तीनों की तरफ से रिकमेंडेड है ये एलान, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्फ्रेजेस है तो लंदन का आर्ग्यूबली सबसे मशहूर स्टोर है, उसका सबसे मशहूर ये कॉफ़ी शॉप है। तो नेचुरली यहाँ रश इतना ज़्यादा है कि आपको 45 मिनट से ज़्यादा बैठने ही नहीं देते, तो हाईली रिकमेंडेड है। इनका शौक तो पूरा हो गया, इन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला लेकिन इनका शौक पूरा हो गया। इनसे मैं मिलाता हूँ होटल में पहुँच के। ये बड़ी एक स्पेशल फनकार है हमारे पास आज के लिए। कौन फनकार भाई है? आप है? मैं हूँ यार। हाँ यार आपने इतनी इज्जत दी है हमको यार। हाँ तो अभी होटल में जाके आपका कराते ना तारुफ इन लोगों से। अच्छा 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 सॉरी। राइट नाउ हम एक डिफरेंट होटल में है विच इज कॉल्ड द हेवन होटल विच इज नेक्स्ट टू आर्स।
और इसका भी प्राइस रेंज वही है. अब मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि कमरा इसका बेहतर है कि नहीं है, विच आई डोंट थिंक पर्सनली. बकास कह रहा है कि बेहतर है, बट लेट्स सी कैसा है इन अ मिनट्स टाइम. इतना बड़ा, ओ माय गॉड, इतना बड़ा बकास, इतनी बड़ी स्क्रीन. वैसे मैं सही कह रहा था ना कि हर होटल जो है ना यहाँ एक जैसा ही है, लेकिन ये तो हमसे भी क्या गुजरा है, हमसे वाले से भी छोटा है, क्योंकि इसकी खिड़की यहाँ आ जाती है. और ये एक सिंपल सा लैंप है, दिस इज जस्ट अ बेड, और वो टीवी हमारे टीवी जितना है. एंड भैया अगर आप हाथ स्ट्रेच करके दिखाएं जरा एक सेकंड के लिए, ये देखो ये है जी फुल और बाथरूम भी चेक कर लेते हैं. बाथरूम की ये तो हमसे भी गया भाई, हमसे भी छोटा है. तो शबीब पूरा आ जाऊंगा, मसला ये देखो यार, चेक मारो जरा इफ यू कैन फिट इन और नॉट. You might squeeze in. वैसे आज इज मच बेटर टू बी ऑनेस्ट. हमारा तो भाई यू कैन मूव देयर. हमारा इसके सामने जो है ना वो लग्जरी रात को मिल जाए तो ये ठीक है, अपग्रेड कर लेंगे. तो अभी हम चलते हैं वापस अपने कमरे में, ठीक है ना. जस्ट कीप योर थिंग्स एंड लेट्स मूव देयर एंड चार्ज वगैरह कर लें. हमारे साथ जो भाई आए हैं इनकी तारीफ मैं अब आप लोगों को बताता हूँ. ये हैं स्कॉटलैंड से और अपने स्कॉटिश एक्सेंट में कुछ कह के दिखाएं जरा. व्हाट डू यू वांट हियर? कुछ अरे पाओ. क्या बात है, क्या हूँ पंजाबी कुछ कह के दिखा दियो. तुसी पंजाबी की सुनना मेरे को दसो जी. ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 5 ਸਕੋਟਿਸ਼ ਹੈ ਗਿਆ ਪਿਓਰ. ਪਿਓਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ. 100/100 ਭਾਈ ਜਾਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਹੀ ਦਿਓ ਯਾਰ. अगर मैं नाम दे रहा ना, अगर मैं आपसे पूछे ना नसरीन से क्या ताल्लुक है आपका? रैप में बंदी चंदी बहुत शैम्पू है. ओ भाई शैम्पू की बोतलें छोड़ दे मेरी. तो अभी हम लोग यार वो बॉन्ड 9 तो पूरा होते यार. यार बॉन्ड 9 नहीं लिया यार, हमारे भाई ने बॉन्ड 9 नहीं लिया. तो अभी हम लोग जरा बैटरी वगैरह चार्ज कर ले अपनी और कैमरे की भी, और फिर हम निकलते हैं थोड़ा आपको बाहर का व्यू खाने के लिए. सर चलिए. जी हुजूर. सर नहीं सर, लेडीज फर्स्ट. बिस्ती इनकी तारीफ किंग पिन पोटैटो. सर वेयर आर वी गोइंग? We are going to a steak place called Steak and Co. Okay. Which does very good Angus steak. Halal hai? 100% halal. Kulu halal. Kulu halal. Kulu halal. Chicken does not have a taste. Why is that so? Because chicken is a bird and beef is an animal. The beef brings taste, juicy, juicy blood. When, and burgers, only beef.
ये बताएं कि फिर रिकमेंडेड है स्टेक, और सबसे पहले ये बताएं हलाल है कि नहीं। 100% हलाल था, उन्होंने सेपरेट हलाल मेन्यू आपको दिया था, तो इट वाज 100% हलाल। दैट स्टेक इटसेल्फ वाज वेरी डिलीशियस, वेरी टेंडर, वेरी सॉफ्ट, क्योंकि हैव यू वन, मज़ा आ गया। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट शुड बी एबल टू वर्क इन पाकिस्तान इन लाहौर। आई थिंक आवर ब्रदर विकास here is gonna bring a steak and co franchise inshallah soon to Lahore, fingers crossed. ये हमारी तरफ से recommended है भाई, तो अगर आपको अभी भी ये वीडियो पसंद नहीं आया तो फिर आई डोंट नो क्या पसंद करेगा। सो लाइक ऑलवेज, सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक ना दबाना भूलना, कॉमेंट ना करना भूलना, और हमारे भाई प्लीज भाई मेरे लिए कोई अच्छी कॉमेंट, गुड कॉमेंट्स प्लीज, नो बैड कॉमेंट्स। सुबह के ब्लॉग में भी आएंगे और इनका साथ कल तक चलता रहेगा इंशाल्लाह। सो लाइक ऑलवेज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस आउट, बाय बाय।